नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। आगामी दिनों में जनवरी में पटवारी के एग्जाम होने वाले हैं और पटवारी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें पॉलिटिकल साइंस के जो ये मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इन क्वेश्चन को आप देखिए। पॉलिटिकल साइंस में पटवारी की तैयारी करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूं, उसमें से पहला क्वेश्चन है कितने बहुमत से सरपंच को पद से हटाने का प्रस्ताव पास हो सकता है। पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है स्पष्ट या पूरा बहुमत, तीसरा है 2/3 बहुमत और चौथा है 3/4 बहुमत। आप सबको पता है सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जनता जो उस ग्राम पंचायत की जो जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से सरपंच का चुनाव करती है। उसके बाद देखिए नगर पालिका एवं पंचायतों को, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 3/4 बहुमत से सरपंच को हटाया जा सकता है। कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर पालिका एवं पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 243। आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 243 जो है वो नगर पालिका और पंचायती राज को क्या देती है? संवैधानिक दर्जा देती है। और संविधान को दर्जा देने के लिए हमारे भारतीय संविधान में 2 संविधान संशोधन हुए हैं विद्यार्थियों, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। कैसे लेकर न तक 243 कैसे लेके न तक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है विद्यार्थी, ठीक है? और आपकी नगर पालिकाओं को अनुच्छेद तय से लेकर के पूरा अनुच्छेद जो है वो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने में दिया गया है। और हमारे भारत में 23 अप्रैल को पंचायती राज का जो संवैधानिक संशोधन था वो पास हुआ था, इसीलिए पंचायती राज दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 1 जून को मिला था, ठीक है? अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, नगर पालिका 3 होती है, जो आपका नगरीय निकाय है उसमें 3 होते हैं। एक होती है आपकी नगर पालिका, दूसरा होता है नगर परिषद और तीसरा होता है आपका नगर निगम। जनसंख्या के आधार पर इनका विभाजन किया गया है कि जहां पर सबसे कम जनसंख्या होगी वहां पर नगर पालिका होगी, जहां पर इससे ज्यादा जनसंख्या होगी वहां पर नगर परिषद होगी और जहां पर सबसे कम जनसंख्या होगी वहां पर क्या होगा? नगर निगम होगा विद्यार्थियों, ठीक है? तो यहां पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो इसका सही आंसर होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ध्यान रखना सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है लेकिन नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव राजस्थान में अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। 2014 में निर्वाचन
प्रत्यक्ष रूप से हुआ था, लेकिन वापस इसको हटा करके अब नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो नगर पालिका में जो चुना जाता है उसको यहाँ पर अध्यक्ष कहते हैं, नगर परिषद में सभापति कहते हैं और नगर निगम में उसको महापौर के नाम से जाना जाता है। नगर निगम में नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको महापौर कहते हैं, नगर परिषद में उसको सभापति कहते हैं और नगर पालिका में उसको अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों। ठीक है, तो नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो आप ध्यान रखना, सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है और कितना बहुमत, 3/4 बहुमत, जो पहले क्वेश्चन में हमने देखा भी है कितने बहुमत की आवश्यकता होती है, 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन उसको 2 वर्ष तक, जब वो चुनकर के आता है उसके 2 वर्ष तक उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ध्यान रखना है, अविश्वास प्रस्ताव 3/4 बहुमत और 2 वर्ष तक के लिए अविश्वास प्रस्ताव सरपंच के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। ठीक है विद्यार्थियों, अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, राज्य वित्त आयोग, आपको पता होना चाहिए वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है और राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 243 के में, 243 आई और वाई सॉरी 243 जो आई है आपका उसमें देखने, अनुच्छेद 243 आई और वाई। अगर आप पंचायती राज की बात करोगे तो वित्त आयोग का उल्लेख 243 आई में है और नगर पालिकाओं के लिए बात करोगे तो उसका उल्लेख अनुच्छेद वाई में हमें देखने को मिलता है विद्यार्थियों। तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए और अशोक मेहता समिति ने इस बात की सिफारिश की थी कि पंचायतों को और ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए। तो इनको वित्त आयोग जो था उसका गठन किया गया और भारत में वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में हमें देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है और ध्यान रखना वित्त आयोग केंद्र में राष्ट्रपति के अंडर में रहता है और आपका राष्ट्रपति को अपनी अनुशंसाएं भेजता है और राज्यों में वित्त आयोग अपनी स्थिति के बारे में राज्यपाल को क्या करता है, अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करता है और राज्यपाल वित्त आयोग की अनुशंसा और सिफारिशों को कहां पर, विधानसभा में प्रस्तुत करवाने का कार्य करता है। तो ध्यान रखना है वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। मैं इन 15 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पॉलिटिकल साइंस के कुछ अच्छी चीजें या कुछ अनुच्छेद भी बता रही हूं इस वीडियो में। तो ध्यान रखना वित्त आयोग जो केंद्र सरकार का जो वित्त आयोग है उसका राष्ट्रपति करेगा संस्तुति और राज्यों में जो वित्त आयोग है उसकी संस्तुति राज्यपाल के द्वारा की जाती है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके है वो क्या है, वो क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग पंचायती वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, वित्त मंत्री को और वित्त सचिव को। तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके,
राजस्थान वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? राजस्थान वित्त आयोग की अध्यक्ष है ज्योति किरण वर्तमान में, और ये पांचवें वित्त आयोग की अध्यक्ष है राजस्थान में। कौन? ज्योति किरण। और आपके इससे पहले चार वित्त आयोग राजस्थान में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्न अंकित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन करके पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। आरएस प्री में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर होगा 2000 में। 2000 में पंचायती राज जो अधिनियम आया 1994, उसमें संशोधन किया गया, और उस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं में स्थायी समितियों का निर्माण किया गया 2000 में। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये क्वेश्चन आपके हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है ग्रामीण अंचलों के नागरिकों के स्वयं के मामलों के प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है? ध्यान रखना विद्यार्थियों, हमारा जो ग्रामीण शासन है वो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कहता है कि हर राज्य में क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायतें, गांवों में ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। इसका गठन अनुच्छेद 240 में हमें देखने को मिलता है, और राज्यों का दायित्व है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करें। राज्य सरकारों का दायित्व निर्धारित किया गया, राज्य सरकारों के इस दायित्व को नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में इस बात का क्या किया गया, प्रावधान किया गया कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। किसका गठन किया जाना चाहिए? ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, ताकि वो स्वयं के मामलों में अपने जो उसके अधिकार है एक संस्था के माध्यम से अपने सपनों को साकार कर सके, अपना प्रशासन, अपने गांव का प्रशासन स्वयं कर सके। इसके लिए ये आया, तो स्वयं के मामलों में प्रशासन को संचालित करने के लिए जो अधिकार है वो किसके अंतर्गत आएगा? ग्राम पंचायत के अंतर्गत आएगा। अब बात आती है इस्तीफा की। राजस्थान में पंचायती समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? ध्यान रखना, प्रधान का जो चुनाव होता है विद्यार्थियों वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और जो भी पंचायत समितियां हैं, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से प्रधान और उप प्रधान का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा देता है जिला प्रमुख को। किसको देता है? जिला प्रमुख को देता है। और ध्यान रखना, जिला प्रमुख अपना इस्तीफा संभागीय आयुक्त को प्रदान करता है। ध्यान रखना, सरपंच अपना जो इस्तीफा है वो विकास अधिकारी को देता है, जबकि पंचायत समिति का जो प्रधान है वो अपना इस्तीफा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना, प्रधान अपना इस्तीफा जिला प्रमुख को देता है, जिला प्रमुख अपना इस्तीफा संभागीय आयुक्त को देता है, सरपंच अपना इस्तीफा किसको देता है, विकास अधिकारी को देता है, बीडीओ को अपना इस्तीफा देता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और एक क्वेश्चन इसमें से अवश्य आएगा। तो विद्यार्थियों इस वीडियो पर बने रहिए, आगे देखिए। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान जो है अपना इस्तीफा किसे देता है, तो ध्यान रखना है जिला प्रमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि राजस्थान में
राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? ध्यान रखना, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम बना ही 1994 में, तो निर्वाचन आयोग भी कब आएगा? निर्वाचन आयोग भी आपके किस में आएगा? आपका राजस्थान में राज्य निर्वाचन जो आयोग है आपका, उसका गठन कब हुआ? उसका गठन कब हुआ? तो ध्यान रखना, राजस्थान में निर्वाचन आयोग का गठन 1994 में हुआ, क्योंकि राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम ही बना कब? 1994 में। तो 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, और ये राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायती राज के जितने भी चुनाव है उनको संपन्न करवाने का कार्य करेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय अनुच्छेद 243 के में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, जिला नवाचार कोष की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ध्यान रखना, ये 10, 11, 12 और 13, 13वें वित्त आयोग में जिला नवाचार कोष की स्थापना की बात कही गई थी। ध्यान रखना, 13वां वित्त आयोग में जिला नवाचार कोष की स्थापना की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए किसके साथ परामर्श करता है? ध्यान रखना, सज्जन सिंह कोठारी अपने लोकायुक्त थे, अभी लोकायुक्त का जो पद है, सज्जन सिंह जो है लोकायुक्त के पद पर पहले थे, और लोकायुक्त जो है, अगर लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल को करनी है, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में मुख्यमंत्री और विधानसभा में जो विपक्षी दल का जो नेता होता है वो क्या करता है? विपक्षी दल का नेता और मुख्यमंत्री दोनों से परामर्श करके राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए किसके साथ परामर्श करता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पटवारी एग्जाम के लिए। मुख्यमंत्री एवं राज्य विधानसभा में बहुमत विरोधी दल के नेता के साथ। उसके बाद आता है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करने में राज्यपाल एक समिति बनाता है, और इस समिति का अध्यक्ष होता है कौन? मुख्यमंत्री। कौन होता है विद्यार्थियों? मुख्यमंत्री इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान महिला आयोग का कार्य नहीं है। देखो, महिला आयोग करता ही क्या है? महिला आयोग का कार्य होता है क्या कि महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को सुनना, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, और महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना। महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करने का अधिकार महिला आयोग के पास नहीं होता, केवल ये अपनी संस्तुतियां दे सकता है, अपनी जांच पड़ताल कर सकता है, लेकिन जो भी दोषी है उसको क्या नहीं कर सकता? उसको दंडित नहीं कर सकता महिला आयोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थियों। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन आते हैं? पहला मंत्री, दूसरा सचिव, तीसरा राज्यपाल, और चौथा स्वायत्त शासन के अध्यक्ष। सही विकल्प सही है? नहीं विद्यार्थियों, ध्यान रखना, राज्यपाल लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आता है। मंत्री भी आता है, सचिव भी आता है, और स्वायत्त शासन संस्थाओं के जो अध्यक्ष है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सब इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी आपका राज्यपाल लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता, क्योंकि लोकायुक्त की नियुक्ति करता ही कौन है? राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता है विद्यार्थियों। तो आज आपने मैंने पटवारी
एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। आगामी दिनों में भी आपको इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको मेरे नव भारती स्टडी ग्रुप चैनल से जुड़ना पड़ेगा और इस पर आपको सभी प्रकार की जो पटवारी एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन सहित मैं ये इन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।